टुडे वी विल डिस्कस नारायण's बायोग्राफी एंड हिज इम्पॉर्टेंट वर्क विच ही हैज़ गिवन. आर के नारायण's फुल नेम वॉज राशीपुरम कृष्णा स्वामी अय्यर नारायण स्वामी. राशीपुरम वॉज द नेम ऑफ द विलेज वेयर ही हैज़ टेकन बॉर्न. और ये कृष्णा स्वामी वॉज हिज फादर्स नेम. सो द फुल नेम ऑफ आर के नारायण वॉज राशीपुरम कृष्णा स्वामी अय्यर नारायण स्वामी. एंड फादर्स नेम वॉज कृष्णा स्वामी. इनके पिताजी का नाम कृष्णा स्वामी अय्यर था और जो कि एक स्कूल में मैसूर के स्कूल में टीचर थे. सून आफ्टर नारायण्स बर्थ हिज फादर गॉट जॉब ऑफ स्कूल टीचर इन मैसूर. ही वॉज बॉर्न इन मद्रास विच इज़ इन प्रेजेंट टाइम तमिलनाडु ऑन 10 अक्टूबर 1906 में जो है इनका बॉर्न हुआ था. और इनकी मदर का नाम गैनम्बल था. ही हैव 7 brothers एंड 2 sisters. ये कुल मिला के 8 भाई बहन थे. ये दूसरे नंबर के थे. 6 भाई और 2 बहनें. ही वॉज सेकेंड चाइल्ड ऑफ हिज पेरेंट्स. एजुकेशन इनकी आर के नारायण वॉज नेवर एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट. वो कभी अच्छे स्टूडेंट नहीं थे और फेल्ड इन बोथ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन. है ना. पास्ड बी ए एट द एज ऑफ 24. और ये कभी भी अच्छे विद्यार्थी नहीं थे अपने जीवन में. और जो है कई बार ये फेल हुए. 2 बार फेल हुए इंटर में भी और जो है मेट्रिकुलेशन में भी. और 24 ईयर में इन्होंने बीए किया. दीज फेलियर्स इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन अफेक्टेड हिज लाइफ एंड ही बिकेम शाई रिजर्व्ड एंड डिफरेंट एंड इनोवर्ट नॉट एंड एक्सट्रोवर्ट. यानी कि ये आंतरिक प्रवृत्ति के व्यक्त हो गए. एकदम साई नेचर के हो गए. है ना. और एकदम रिजर्व रहने लगे क्योंकि लोग उन्हें कंडेम करते थे. तो इसलिए जो है कि बार बार उनकी ज़िंदगी में फेलियर ओनली फेलियर. तो इस तरह ये साई नेचर के हो गए. और लेकिन जो है आगे जो है इन्होंने बहुत फेम गेट किया. एवर सिंस ही हैज़ बीन नेक्स्ट टू मॉडेस्ट एंड रिजर्व्ड. आगे देखिए. इट इज़ सेड दैट वंस ही ट्राइड टू पुट एन एंड टू हिज लाइफ बाई कमिटिंग सुसाइड. एक बार जो है अपने जीवन से तंग आकर इन्होंने सुसाइड करने की भी कोशिश की थी. लव एंड मैरिज. आर के नारायण वाइफ रजम द ब्यूटीफुल ऑफ द गर्ल ही वेंट स्टेट टू द गर्ल्स फादर. और ये इनकी पत्नी का नाम क्या था. रजम था. यहाँ पे इन्होंने खुद कन्फेस किया था एक जगह पे. और लिखे थे नारायण ने यहाँ पे मेट हिज फ्यूचर वाइफ रजम इन 1935 में मिले एंड फेल इन लव विद हर एट फर्स्ट साइट. नारायण हिमसेल्फ डिस्क्राइब द मीटिंग वाइल आई वॉज स्टैंडिंग एट द कॉर्नर ऑफ द इक्विवेलेंट ऑफ अ बिग सिटी मेल देयर. आई सॉ अ गर्ल अबाउट 18. 18 साल की लड़की को उन्होंने देखा. है ना. सी वॉज टॉल स्लिम एंड हैड अ क्लासिकल फीचर्स बट हर फेस हैड द फिनिश एंड परफेक्शन ऑफ स्कल्पचर. इस तरह जो है अप्रिशिएट किए हैं कौन. नारायण जी अपनी पत्नी के बारे में. वेन ही हैज़ फॉर फर्स्ट टाइम एट फर्स्ट साइट. और देखिए आगे. यानी कि हिज पेरेंट्स वर मच इम्प्रेस्ड बाई द नारायण्स फ्रेशनेस. और ये डायरेक्टली जाकर जो है प्रपोज किए मैरिज के लिए उनके घर पर नागेश्वर जो है अय्यर के यहाँ. ठीक है. नागेश्वर अय्यर इनके फादर इन लॉ थे आर के नारायण के एंड द फादर ऑफ रजम. और बाद बहुत ज़्यादा उसे इम्प्रेस भी हुए. और उन्होंने प्रेडिक्ट किया भविष्यवाणी किया एस्ट्रोलॉगर के रूप में कि जो है नारायण वुड रेदर बी फॉर द पॉलीगेमिस्ट आर विडोवर आफ्टर मैरिज. यानी कि शादी के बाद या तो विडोवर हो जाएंगे या पॉलीगेमिस्ट. यानी कि एक से ज़्यादा शादियाँ करेंगे. अबाउट अर्ली लाइफ एंड कैरियर. वेन नारायण कम्प्लीट हिज ग्रेजुएशन. जब उनका ग्रेजुएशन कम्प्लीट हो गया 1930 में ही देयरफॉर एक्सेप्टेड द जॉब ऑफ क्लर्क इन मैसूर सेक्रेटरीट. देन ही बिकम अ टीचर इन विलेज स्कूल बट नॉट सेटिस्फाइड विद द जॉब. क्योंकि बेटा ये किसी भी जॉब से इसलिए सेटिस्फाई नहीं थे बिकॉज ही डजेंट टेक इंटरेस्ट इन दैट. और इनका इंटरेस्ट किस में था. राइटिंग में था. है ना. फादर वॉज अ स्कूल टीचर. है ना. एंड हैड अ लार्ज फैमिली टू सपोर्ट. परिवार बड़ा था. द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द फैमिली वॉज नॉट साउंड. When Narayan completed his graduation in 1930, he was asked to take a job to improve the condition of
फैमिली है ना, उनसे कहा गया कि जॉब को अटेंड कर ले जिससे कुछ अर्निंग हो, जिससे परिवार की स्थिति को सुधारा जा सके। ही देयरफॉर एक्सेप्टेड द जॉब। आप सबसे पहले क्लर्क में मैसूर, क्लर्क की जॉब इन्होंने की मैसूर में सेक्रेटरीट के, और फिर उसके बाद जो है ये टीचर बने एक विलेज में, विलेज के स्कूल में। लेकिन वो उससे सेटिस्फाई नहीं थे बिकॉज ही वॉन्टेड टू बिकम अ ग्रेट राइटर है ना। सो ही हैव गिव अप द जॉब ऑफ द स्कूल टीचर एंड डिसाइडेड एंड डिवोटेड हिमसेल्फ ऑल हिज टाइम टू राइटिंग। हिज फादर वॉज अगेंस्ट दिस आइडिया बिकॉज दैट वॉज द टाइम विच वॉज नॉट फिट फॉर अ राइटर एज अ बींग अ इंडियन। उनका कहना ये था कि एज अ राइटर ही कुड नॉट अचीव सक्सेस एज अ राइटर इन इंग्लिश। बोल कहते थे कि जो है इंग्लिश राइटिंग में जो है तुम सक्सेस नहीं गेट करोगे, इस तरह वो बिलीव करते थे इनके फादर है ना। तो इसके लिए इसको उनको स्कोल्ड भी करते थे। बट नारायण रिमेंस फर्म इन हिज डिसीजन एंड स्टार्टेड राइटिंग नॉवेल्स विद अ ग्रेट कॉन्फिडेंस एंड शून ही अटेंड कंसिडरेबल सक्सेस एज अ नॉवलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। लेकिन इनका जो अटैचमेंट था, इंक्लाइनिंग थी, उससे इन्होंने ग्रेट सक्सेस गेट किया और बिकम अ ग्रेट राइटर ऑफ स्टोरी एंड नॉवल। डोमेस्टिक लाइफ बेटा इनकी अर्ली लाइफ कैरियर हो ही गया। अबाउट अर्ली लाइफ एंड कैरियर में नारायण कंप्लीटेड, ये तो हो ही गया। आगे देखिए यहाँ पे ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय द ग्रैहम ग्रीन। ग्रैहम ग्रीन से ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड थे ही हैज़ अ क्लोजली कंपेयर्ड विद विलियम फकनर। ये विलियम फकनर ही वॉज अ अमेरिकन राइटर एंड ही इज़ कंपेयर्ड विद विलियम फकनर। ही ऑल्सो प्रेजेंट ओरिजिनल थीम विच इज़ प्रेजेंटेड बाई द आर के नारायण। हार्डी भी एक ओरिजिनल राइटर ही थे लेकिन उनके साथ इनकी कंपेयर नहीं की जाती है बिकॉज द थीम ऑफ द फकनर एंड द नारायण वॉज द सेम। सो ही क्लोजली कंपेयर्ड विथ फकनर है ना। इन्हीं के साथ इनका कंपेयर किया जाता है। ये अमेरिकन राइटर थे और एक फ्रेंच राइटर गाड़ी मस्पेशन से भी इनका कंपेयर किया जाता है। देन डिसाइडेड टू डिवोटेड ऑल हिज टाइम टू राइटिंग। इस तरह वो डिवोटेड हो जाते हैं और इन्होंने एक फिक्शनल साउथ इंडियन टाउन को अपना जो है प्लेस बनाया है अपने नॉवेल और शॉर्ट स्टोरी के लिए, जिसे क्या नाम दिया है, मालगुडी। और मालगुडी पोर्टमेंटू ऑफ टू बेंगलोर लोकेलिटीज़ है। पोर्टमेंटू ये ऐसा वर्ड होता है, जैसे इसमें देखिए बेटा मेलिस वर्म लिखा है और बेशवाना गुडी लिखा है। दोनों वर्ड का देखो, मेलिस वर्म एम ए डबल एल को इसको बिगनिंग का दो तीन वर्ड ले लिया, आगे का दो तीन वर्ड है ना, और पीछे का गुडी ले लिया है इसका बेशवाना गुडी का, और दोनों को मिला के पोर्टमेंटू बन गया, यानी कि दो मिला के एक मीनिंग है ना। तो इसी तरह इन्होंने अपने जो है फिक्शनल लोकेशन किसको प्रेजेंट किया, मालगुडी को, और उसे जो है कहाँ से लिया था, बेंगलोर की लोकेलिटी से, मैलेश्वर मैन बेशवाना गुडी से। और यहाँ देखिए और उनकी डोमेस्टिक लाइफ ऐसी ही थी कि रैजम से इन्होंने शादी की और उसके बाद इनकी एक बेटी हुई जिसका नाम हेमा था। और आफ्टर सम टाइम्स हिज डियर वाइफ डाइड ऑफ टाइफाइड इन 1939 विद इन 5 ईयर। As a novelist, Narayan attained immense success. His novel Swami and Friend, The Bachelor of Art and The Dark Room were published. Swami and Friend, the novel which is given by him, is a great novel. It is a type of novel proved to be very popular and famous. It brought a name and fame to him and opened the gates of success for him. It was regarded by the critics as a great work of art. Pramod Verma, Graham Greene and the Compton Mackenzie praised the novel a great deal. इस तरह जो है प्रेस किया गया इनके नॉवेल को है ना। द नॉवेल इज़ अ रिमार्केबल फॉर द ऑथर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ चाइल्ड साइकोलॉजी एंड हिज डिपिक्शन ऑफ द कैरियर वर्ल्ड ऑफ स्कूल बॉयज इन अ रियलिस्टिक मैनर। द कैरेक्टराइजेशन इज ऑल्सो मार्वेलस From the point of view, plot construction and the novel is notable. And the Bachelor of Art, another novel which is given by him, is a novel dealing with college life. The hero of novel, Chandan, a good college debater, impresses the secretary in debate. He falls in love with a Malti but cannot marry
ड्यू टू अपोजिशन फ्रॉम हिज मदर ही बिकम अ सन्यासी बट आफ्टर सम टाइम्स ही एंटर्स फैमिली लाइफ एंड मैरिज अ गर्ल चूजन बाई हिज पेरेंट्स ही बिकम अ न्यू पेपर कॉरेस्पॉन्डेंट ही टेल्स पीपल दैट देर इज नो नीड ऑफ मैरिज एक्सेप्ट फॉर सेक्शुअल सेटिस्फैक्शन एंड ऑफ होम एंड द फैमिली है ना इस तरह जो है एक्सप्रेस किए और आगे देखिए नेक्स्ट इनका जो है क्या था नॉवल द डार्क रूम इज अ लेमेंट ऑन द डिसहारमोनी ऑफ डोमेस्टिक लाइफ और इसमें जो है इसी तरह उन्होंने प्रेजेंट किया है रामायणी ए ब्रांच मैनेजर ऑफ एन इंश्योरेंस कंपनी इज द हीरो ऑफ द नॉवल हिज वाइफ वॉज सावित्री एंड हिज थ्री चिल्ड्रेन वर बाबू है ना कमला एंड सुमति है ना तीन बच्चे थे उनके और इन द लेटर पार्ट ऑफ द नॉवल ही एक्सप्रेस दैट इंश्योरेंस ऑर्गेनाइजर एंटर्स ही फॉल्स इन लव विद हर सावित्री बिकम शेड एंड ट्राइज टू कमिट सुसाइड बट सी इज सेव्ड बाय द ब्लैक स्मिथ सी बिकम्स बैक टू हर हाउस एज रामायणी डज नॉट चेंज हिमसेल्फ सावित्री लिव्स miserable life a miserable life this a common indian story of upper middle class shantabai and ramayani are realistic character ड्यूरिंग दिस पीरियड यहाँ पे ड्यूरिंग दिस पीरियड इंडिकेट आफ्टर द डेथ ऑफ हिज वाइफ रेजम है ना यहाँ पे कर लीजिएगा ही एडिटेड ओनली अ जर्नल द इंडियन थाट्स एंड प्रोड्यूस्ड द वॉल्यूम्स ऑफ शॉर्ट स्टोरीज मालगुडी डेज है 1941 में एंड डाडू अदर्स स्टोरीज इन 1943 एंड साइक्लोन एंड अदर स्टोरीज इन 1944 और सम इम्पॉर्टेंट वर्ड्स विच इज़ गिवन बाई आर के नारायण इज प्रेजेंट हियर नारायण नेक्स्ट नॉवल द इंग्लिश टीचर अपियर्ड इन 1945 एंड आफ्टर दैट एंड एस्ट्रोलॉगर्स डे एंड अदर स्टोरीज मिस्टर शंपात यहाँ पे एस्ट्रोलॉगर्स डे विच कम ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द 1947 मिस्टर शंपात कम इन 1949 द फाइनेंशियल एक्सपर्ट कम इन 1952 द फाइनेंशियल एक्सपर्ट इट इज़ अ स्टोरी अबाउट द राइज एंड फॉल ऑफ द फाइनेंशियल विजार्ड है ना और आगे ये देखिए फाइनेंशियल एक्सपर्ट के बाद वेटिंग फॉर महात्मा द गाइड इज़ अ ग्रेट वर्क विच इज़ गिवन बाय हिम इट इज़ अ मोस्ट पॉपुलर नॉवेल ऑफ आर के नारायण द राइटर गॉट द साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर इट इन 1968 में इसे प्रेजेंट किया गया गाइड को इनके द्वारा और 1961 में इन्हें इसके लिए साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया गया द गाइड इज़ अ स्टोरी ऑफ राजू हु प्लेज अ सिवरल रोल इन हिज लाइफ एज अ वेंडर अ गाइड अ एडल्टर अ मैनेजर ऑफ डांसिंग गर्ल अ चीट अ प्रिजनर एंड अ मर्टर्ड सेंट ही इज़ नोन एज अ रेलवे राजू वंस ही बिकम अ गाइड फॉर अ रिच कपल मैक्रो एंड रोजी ही थॉट रोजी वॉज नॉट लव्ड बाई हर हजबैंड सो ही फेल इन लव विथ हर सी वॉज अ गुड डांसर एंड सी वॉज मोर एंड बेटर ट्रेंड डांसिंग बाई राजू सी बिकम अ फेमस डांसर राजू एंड रोजी लिव्ड एज हजबैंड एंड वाइफ इन द हाउस डिजेस्टेड बाई राजू मदर हु ऑब्जेक्टेड टू देयर रिलेशनशिप रोजी हजबैंड मैक्रो रिटर्न आल हर ज्वेलरी एंड मनी टू हर ही फॉल्ड द सिग्नेचर ऑफ राजू एंड वॉज पनिश्ड टू इम्प्रिजनमेंट कमिंग आउट ऑफ जेल ही कट ऑफ ऑल रिलेशनशिप विद द पास्ट एंड स्टार्ट हिज न्यू लाइफ एज अ सेंट्स आर महात्मा द विलेज मंगला वेयर ही वॉज लिविंग एज अ सेंट्स वॉज caught in the grip of drought. He had to fast for 11 days. On the 12th days, he sat in the water of river, foretelling that the rains was falling on the hills and coming under his feet. इस तरह उन्होंने predict किया. The writer's
technique of craftsmanship is notable. He has unified different episodes. The technique is a mixture of the fiction, the drama and the film technique. The conception of the tragedy is weak. The hero doesn't attract the sympathy and admiration of the readers. The novel is pensive comedy. The narrative is simple but told in a present past manner. The backstage life of Raju has dramatic effect. Come to next. Another work which he has given after the guide, Next Sunday, a collection of sketches and essays, My Deathless Diary come during the time of the 1960, and the sketches and essays come 1960. A collection of sketches and essays come during the time of the 1960. My Deathless Diary came in 1960. The Man-Eater of Mulgudi in 1962. Gods, Demons and Other Stories in 1956. The Sweat Vendor in 1967, and A Horse and Two Goats come in 1970. The version of the Ramayana also present by him. And come to next, Narayan's fame and popularity. At present, Narayan is about 85. He enjoyed the good health and is busy in literary activities. 85 ke ho gaye aur sab acche se busy the literary activities mein. His novel The Guide was given the Sahitya Akademi Award. Abhi pehle hi bataye ki 58 mein inke dwara present kiya gaya hai, 1958 mein aur 1960 mein ne Sahitya Akademi Award mila kiske liye, Guide ke liye. The novel has been filmed and attained great success at the box office. He was awarded the Padma Bhushan inhe 1964 mein mila, University of Leeds conferred on him the honorary D.Litt की उपाधि इनके दी गई, ठीक है, 1967 में. एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी फॉलोड शूट इन 1973 में. और जो है, ही वॉज गिवेन अ स्पेस इन द राइटर्स एंड देयर वर्क सीरीज बींग पब्लिश्ड बाई द ब्रिटिश काउंसिल. ही विजिट टू USA गए USA में 1956 में ऑन इन्विटेशन फ्रॉम द Rockefeller, है ना, फाउंडेशन के द्वारा. मैनी ऑफ हिज स्टोरीज एंड स्केचेस हैव बीन ब्रॉडकास्ट बाय द BBC चैनल के द्वारा जो है ब्रॉडकास्ट किया गया. और उसके साथ साथ ही हिज नॉवेल्स एंड स्टोरीज हैव अपीयर्ड इन द मैगजीन एंड जर्नल्स में भी इनकी जो है स्टोरियों को दिया गया, और बोथ इंग्लैंड एंड अमेरिका दोनों जगह. इन अमेरिका ही इज रिगार्डेड नेक्स्ट ओनली टू फॉकनर एंड द ग्रैम गिन. इनके जो है नेक्स्ट माने जाते हैं ग्रैम गिन और फॉकनर के. और पहले ही बताए कि जो है इनको कंपेयर किया गया है किससे, मच डी पैशन फ्रेंच राइटर और विलियम फॉकनर से. और इनकी ग्रैंड मदर बेटा इन्हें एक लव नेम से पुकारती थी, कॉल्ड हिम अ लव नेम बाय कुंजम्पा.